मैं पूछ रही हूँ शुभ नाम नमस्कार मैं रेखा खान नव भारत टाइम्स है रेखा जी आप कहाँ हैं एक सेकेंड अच्छा खैर जहाँ भी है यहाँ हूँ मैं आपके अच्छा आप हाँ जी हाँ जी पूछे, पूछे। जी पूछिए पूछिए सबसे पहले तो मैं अक्षय जी आपको मानुषी जी डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी मैं बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी बहुत ही कमाल का ट्रेलर है बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं अक्षय मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इतिहास में बचपन से चाहे पृथ्वीराज जी हों या महाराणा प्रताप हों इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हम एक हीरो की तरह देखते आए हैं कि हमारे देश के लिए धर्म के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं लेकिन और ये एक नायक के तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं मगर आज के दौर में आप एक सच्चे नायक की क्या डेफिनेशन देखते हैं आपको क्या लगता है कि आज के दौर में एक नायक या एक लीडर उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जी लीडर्स का तो मुझे पता नहीं बस एक अच्छे इंसान होने चाहिए बहुत है अपनी ज़िंदगी में आ, अच्छाई करो अच्छे कर्म करो कमाई करो और आ, किसी का बुरा मत सोचो किसी के बारे में बुरा मत बोलो बस यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं ज़्यादा मैं इस पे ज्ञान नहीं देना चाहूँगा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं एंड दैट्स इट हाय मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से आ, आप तीनों को बधाई बहुत ही बढ़िया ट्रेलर धन्यवाद है मानुषी आपका बहुत स्वागत था बॉलीवुड में थैंक यू जानना चाहेंगे बहुत ही बड़ी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है कम मौका मिलता है ये इस तरह की फिल्मों से डेब्यू करने का तो कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और क्या क्या आपकी तैयारियाँ रहीं और uh, साथ ही इसके बाद अक्षय और सर से जानना चाहेंगे कुछ और जी um, आपने बिल्कुल सही कहा बहुत ही ऐसी uh, कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस तरह की फिल्म में आपका यू नो इंट्रोडक्शन हो और uh, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेब्यू है प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग की नहीं थी बट आई थिंक द काइंड ऑफ टीम दैट आई गॉट

प्रिंसेस सहयोगिता और ऐसी रानी सहयोगिता चाहिए सो दैट रियली हेल्प मी और uh, मैं uh, इससे पहले मैं स्टूडेंट थी तो मेरा बहुत ही स्टूडेंट माइंडसेट है यू नो कॉलेज जाना uh, वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सीखना और उसके बाद एग्ज़ाम देना एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया है यहाँ पर क्योंकि मैं यशरा जाती थी नौ महीने तक uh, मैंने यहाँ ट्रेनिंग की है और उन नौ महीने में मैं आती थी मैं डॉक्टर साहब से बहुत स्क्रिप्ट समझती थी एक्टिंग समझती थी आ, क्या कैरेक्टर को चाहिए वो समझती थी और क्योंकि यू नो फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम तो उनके दिमाग में इतना क्लियर इमेज था कि उनको रानी संयोगिता कैसी चाहिए सो फॉर मी इट वॉज़ मोर अबाउट रेप्लीकेटिंग दैट तो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था i couldn't say no to it i had to like mere, isse pehle i was not very sure that i would become an actor but after i knew that this, there was an opportunity that i could audition for something like prithviraj then there was no looking back and i think i got, I got the perfect team Akshay, wow. तीस सालों के सफर में ये आपके लिए बहुत अलग तरह की फिल्म है तो आपने क्या क्या चीजें अब तक अनलर्न की इस दौरान और द्विवेदी सर से मेरा सवाल क्या, है क्या, क्या, एक ए, एक मिनट तो खत्म कर लो अच्छा क्या क्या मेरा मैंने? सवाल है कि तीस सालों में पहली बार आप ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं तो आपके जो दर्शक और फैन भी रहे हैं आपको अलग इमेज में देखते आए हैं तो इस फिल्म में क्या क्या चीजें आपने अनलर्न की हैं लर्न किया क्या क्या अपनी इमेज से कितना किस तरह से बाहर निकलने में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और अनलर्न अनलर्न किए किए वो क्या होता है नए किरदार में ढलने के लिए अक्षय मैं जी देखिए मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर जैसा भी मैंने निभाया है मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है जो जो वो कहते थे जो जो वो आ, मुझे बताते थे जैसा जैसा कहते थे कहने के लिए बात करने के लिए जो भी तरीका है सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था मैं अकेले अपने आप को ले आया था और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी मैं बस आता था साहब के साथ बैठता था साहब से बातें सीखता था और बस उनसे समझता था कोशिश करता था रिहर्सल करता था और बस जा परफॉर्म करता था तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है तो मैं झूठ कहूँगा मानुषी फ्रॉम बॉलीवुड लाइफ अनदर वेलकम टू बॉलीवुड मनुषी इससे बड़ा प्लेटफॉर्म वायरव की फिल्म है और आप सुपरस्टार अक्षय कुमार के सामने आप डेब्यू कर रही हो डॉक्टर साहब की फिल्म है नो डेब्यूटेंट कैन होप फॉर प्रॉबेबली अगर प्लेटफॉर्म डेंट इज बट अलॉन्ग विद डैट नो प्रॉन्ग विद से

मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सब ने बोला था कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ पेशेंस रहेगी एंड दैट आई हैव इन द लास्ट वन एंड हाफ यर्स डेफिनेटली बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड यू नो हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पर और आई वॉन्टेड टू सी क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जो हमने ऑन सेट्स जो भी शूट किया वो कैसे ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पर दिखता है और एंड में ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है यू नो हाउ आई एक्चुअली आई एम एक्सेप्टेड बाई द ऑडियंस तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट वट एवर सर्टिफिकेट दैट यू कैन गेट एज एन एक्टर तो वो वेट डेफिनेटली हैज बीन अ लॉट बट लाइक वी वॉल सेट सबसे लॉन्ग वेट तो डॉक्टर साहब के लिए रहा है बिकॉज ही इज बीन वर्किंग ऑन दिस फिल्म फॉर द लास्ट फोर्टीन ईयर्स तो नो वन नो वन कैन कम्पीट विद दैट आई थिंक आई मीन इट वॉज it was okay i think now it's, it's gone but there was a pandemic and everyone was suffering so I akele bed to complain yeah on an individual level I, I was really really waiting and i think uh that first film so you know you, you feel that that but it could have been avoided a yeah. <laughs> <laughs> who, who was your biggest support system we would like to know that was your I think my, my family. It's always it's always been my family. I think my parents are my biggest support system, and from the very beginning. Or I'll not Lockdown ke vakt I should I should start doing something and I should start a project or I should I should or you know I, I wish Prithviraj abhi release ho and I'm glad that it didn't release at that time because har cheez ka ek sahi samay hota But uh, I remember my mother used to always tell me that. Uh, यू नो यूव यू आर यू एंड यू डन एक्स वाइज ई थिंग्स इन योर लाइफ इन चीज सेट कि कल को अगर आप सिर्फ दो फिल्में भी करोगी और uh, जो आप आज हो वहीं पर रहोगे दे लाइक वे प्राउड ऑफ यू वे हैप्पी दे सर जस्ट बी पेशेंट बी हैप्पी जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो तो आई थिंक आई थिंक दैट्स वॉट आई ट्राई टू डू and uh, my family has been a big support through this time i think bahut okay. achi line boli unhone patience 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 very important hai kisi kalakar ke liye Chalye, do teen Akshay question mera ek sawal aap se bhi, please uh, it, Akshay ji first of all it's amazing that jab you are parde par it um, uh, feels like uh, it, jo action hai uh, no matter how many films you do it's as good as watching the khiladi in a prithviraj roop so it is amazing how you do it सर uh, uh, आपका एक ट्रेंड uh, एक, uh, है इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप दो तीन महीनों में फिल्में खत्म करते हो लेकिन uh, scale, दो, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया हाँ like, हाँ, yes, ओ, दो तीन दो फिल्म दो बट अ फिल्म ऑफ स्केल ये जो मैग्नीट्यूड है इसके लिए शायद ज्यादा समय लगा होगा नहीं जी 42 डेज पूरा पृथ्वीराज फोर्टी आस्क हिम अक्षय अक्षय सही सही टाइम पे आओ सही टाइम पे जाओ आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है ये सब ये ये इधर बैठे हैं इन्होंने किए ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए नहीं तो ये कब की आ गई होती डॉक्टर साहब आपको चैलेंज लगे मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन डिसिप्लिन यदि उन्होंने सात बजे कहा है तो वो सात बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आए समय पर जाएँ और ध्यान रखें इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग आपको जानकर हैरानी होगी कि पंद्रह सौ पंद्रह सौ की भीड़ के साथ हम लोग साढ़े सात आठ बजे तक शूटिंग कर लेते थे, थे वो इसीलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन एक्टर हैं इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता था दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो सात बजे आ जाने वाले हैं इसलिए और पूरी हमारी जो टीम है पूरा दल है हमारे लिए सुबह तीन बजे शुरू होती थी और सर साढ़े छः बजे तक आ जाते थे तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार अच्छा मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठ कर महीने रीडिंग की मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते अभी भी अगर आप ने, पूछेंगे ने, तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से अपने नहीं मेरे भी आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी सर हाय दिस इज अंकिता फ्रॉम पीपी मून सर इन योर ओपिनियन वे यू थिंक सम्राट पृथ्वीराज वाज फ्रॉम राजस्थान और गुजरात आई थिंक सम्राट पृथ्वीराज चौहान वाज फ्रॉम हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान के थे मैं बस यही कहूंगा ये सब चीजों से क्या फायदा वो कहां के भी थे वो हिंदुस्तान के थे भारत माता के बेटे थे एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी हमने जिंदगी में आ, अब तो हमें समझ लेना चाहिए ये जो जब पहले जब ब्रिटिश आए थे डिवाइड एंड रूल ये सब चीजों से हमें समझ लेना चाहिए ये छोड़े ना कहाँ से थे कैसे थे किसके थे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे देश के थे हिंदुस्तान के थे भारत माता के बेटे थे बस बस इतना ही काफ़ी है डॉक्टर साहब हियर राजीव विजयकर हियर ऑन योर राइट ऑन योर राइट डॉक्टर वेर आई यू हाँ यस या ग्रेट टू मीट यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम एंड टू क्वेश्चंस फॉर यू वन वाई अक्षय कुमार आउट ऑफ ऑल द बिग सच अग फिल्म नीड्स अग स्टार टू लीड द कास्ट